नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता युद्धवीर सेठी। पिछले कई दिनों से इनके एक बयान के लिए ये जो है काफी चर्चाओं में रहे। क्या था इनका बयान और किस तरह से तोड़ मोड़ के जो है इनके बयान को दिखाया गया, इनका उस पर क्या कहना है, ये खुद बताएंगे आज। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो सर, जो जिस बयान की वजह से आप काफ़ी चर्चाओं में रहे, तो किस तरह से आप जो है लोगों के सामने उस पर बात करेंगे? व्यक्तिगत रूप से मैं पहले उस अपने भाई को, उस जर्नलिस्ट को मुबारकबाद देता हूँ जिसने कम से कम 5-7 मिनट का इंटरव्यू करके 30 सेकंड या 5 सेकंड या 10 सेकंड की उसने एक लाइन डाली। मेरे को अपनी छवि के बारे में किसी को कहने की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी में 3 साल से राष्ट्रीय विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ने वाला युद्धवीर सेठी जम्मू कश्मीर की आवाज़ है। आज भी जिस प्रकार से जो हमला हुआ, इसी से जुड़ा हुआ वो सवाल था 4G का। मैंने उसमें इस बात की मैं पुष्टि करता हूं कि मैंने बोला, मैंने ये बात रखी थी कि वो लोग जो आतंकवाद के साए में जी रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के या वो निर्दोष व्यक्ति जिनको आतंकवादी घर जाकर निर्दयी से मारते हैं, वो निर्दोष व्यक्ति जो मारे जाते हैं, उनसे पूछो जो इंटरनेट के कारण जो आतंकवादी अपना पूरा जाल बिछाते हैं, जिस प्रकार आज की भी घटना हुई। जब यहाँ पर स्वर्ग होगा, जब यहाँ पर ये फोर्सेस का काम है, ये सिक्योरिटी के जो अधिकारी उनका काम है कि 4G या 2G। और उसमें मैंने ये भी बोला कि जम्मू के कश्मीर के युवाओं के लिए, यहाँ के बिजनेसमैन के लिए, यहाँ एजुकेशनिस्ट जो हैं, उनके लिए जल्द से जल्द ऐसा वातावरण बने, ऐसा माहौल बने, 4G की जगह 6G आना चाहिए, हम वेलकम करते हैं यहाँ पर। पर तोड़ मोड़ के बयान देना और छोटा सा एक लाइन कार्ड लेनी बीच में से, मैं फिर भी अपने उस युवा जर्नलिस्ट से कहता हूं कि मेरे भाई, आपको और तरक्की मिले और मंजिल मिले। युद्धवीर सेठी वो राष्ट्रवादी नेता है जिसका काम ही राष्ट्रीय विद्रोहियों के खिलाफ जूझना है और आवाज उठाना है। आपका बहुत बड़ा कैरियर है, भगवान आपको और तरक्की दे। जर्नलिज्म में ये कहां लिखा है कि 5-7 मिनट के इंटरव्यू से 1 सेकंड की लाइन काट के आप लोग दिखा दो। मैं फिर भी अपने उस भाई को, उसको लंबी उम्र मिले, किस दबाव के कारण, किस प्रेशर के कारण, किसके कारण उस व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया कि जिसमें युद्धवीर सेठी की छवि को और भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने की कोशिश की गई। फिर भी मैं दोबारा कहता हूं, वो मेरा भाई लंबी उम्र के साथ जिए और जर्नलिज्म में और ऊंचाइयों को छुए। सर, क्या लगता है आपको, DDC इलेक्शंस आने वाली हैं, तो क्या इस कारण से भारतीय जनता पार्टी और आप, क्योंकि इस पार्टी के जो है काफ़ी नामी नेता रह चुके हैं, तो ताकि जो आगे इलेक्शंस आने वाली हैं उसमें आपकी छवि खराब करने के लिए इस तरह का कार्य किया गया? DDC के चुनावों में लड़ाई होगी देशद्रोहियों के खिलाफ और राष्ट्र प्रेमी लोगों के साथ के बीच में, झंडा उठाने वालों के, भारत माता के सामने नतमस्तक होने वालों के, या झंडा ना उठाने वाले, या चाइना और पाकिस्तान को बीच में रखकर 370 वापस प्रदेश में लाने की ख्वाब देखने वाले लोगों के बीच में। भारतीय जनता पार्टी ने अपना कार्य किया, 370 हटाई, 35 हटाई, और इन बयानों से जो 370 लाना चाहते हैं
उनके खिलाफ अब जो जवाब देगी हमारी राष्ट्रभक्त जनता देगी। मत पेटियों में वो जो वोट डालेगी भारतीय जनता पार्टी के लिए डालकर, अब वो मुंह तोड़ जवाब देगी हमारी यहाँ की राष्ट्रभक्त जनता देगी। डीडीसी के चुनाव पहली बार यहाँ पर होने जा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। करोड़ों अरबों रुपया 70 सालों में इन चुनावों के लिए आया यहाँ पर, जिससे किसानों की तरक्की होनी थी, जिससे गांव की तरक्की होनी, जिससे आम व्यक्ति इस इलेक्शन को लड़कर आम व्यक्ति की सेवा कर सकता था। पर इन लोगों ने, तीन परिवारों ने यहां पर एनसीपी डीपी और कांग्रेस ने बंदर बांट की। जितना पैसा सेंटर से आया उस बंदर बांट के तहत इन लोगों ने इसको लूटा, या आतंकवाद को बढ़ावा दिया, या अलगाववाद को बढ़ावा दिया। मेडिकल के नाम पे जीरो, एजुकेशन के नाम पे जीरो, इंडस्ट्री के नाम पे जीरो, और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में दरार डाली। धर्म के नाम पे लोगों को बांटा, कश्मीर में कुछ बयान, जम्मू में कुछ बयान, लद्दाख में कुछ बयान दिया इन लोगों ने। आज इनका इतिहास इतिहास बनकर रह जाएगा। अगले चुनावों में यहां की जनता समझ चुकी है, आने वाले समय में डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के लिए कि हमारे युवक यहां पे नौकरी कर सके, बाहर ना जाए। यहां मेडिकल के नाम पर एक हड्डी टूट जाए अमृतसर जाना पड़ता है, एम्स पे यहां पे इलाज कराया जाए। यहां पर आईआईटी 40 साल 50 साल के बाद जम्मू में आना, गंडोला रोप वे यहां पर 40 साल के बाद आना, डेवलपमेंट टूरिज्म को जीरो कर दिया जम्मू के अंदर इन लोगों ने। जम्मू को इन्होंने बी से सी कर दिया, ग्रेट सिटीजन देख के इन्होंने यहां पर एनसी और पीडीपी ने हम लोगों को, कश्मीर के लोगों को और जम्मू के लोगों को लड़वाया। और कश्मीर के जो परिवार थे, कुछ चंद परिवार जो राजनीतिक परिवार थे या हुरियत के या अलगाववादियों के, वो अमीर होते गए, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते गए, और यहां पर गरीब कश्मीर के अंदर 3 किलोमीटर के बाद गुर्बत, खाने को अनाज नहीं, और बच्चों के हाथ में डिग्री के साथ साथ पत्थर पड़वा दिए, पत्थर पकड़वा कर उनकी हत्या करवाई। ऐसे लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी डटकर खड़ी है। नरेंद्र भाई मोदी जी जैसा यशस्वी प्रधानमंत्री हमें मिला है, उनके नेतृत्व में हम लोग ये चुनाव जीतेंगे। डीडीसी के बाद असेंबली के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अपना चीफ मिनिस्टर लेके आएगा, ये पक्की बात है। सर, आपने एक और बात कही थी कि 90% लोग जो हैं वो वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, तो ये इस पे आप क्या कहेंगे? टू जी और 4G, जब किसी चीज का विकल्प कोई पैदा करता है तो अच्छी बात है, इसमें कोई गलत तो नहीं। पर फिर भी मैं चाहता हूँ हालात अच्छे होने चाहिए। जिस प्रकार आज भी 4 आतंकवादी वहां पे मारे गए हैं, हमारे वहां पर पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, इस कार्य को रोकने के लिए अगर सिक्योरिटी फोर्सेस कोई भी निर्णय लेती है, हम उसका स्वागत करते हैं। पर जब यहां पर आखिरी आतंकवादी नहीं रहेगा, जब यहां स्वर्ग बनेगा, 4G की जगह 6G 8G लेके आएंगे, और सबसे पहले जो 70 साल में डेवलपमेंट हुई, अगले 5 सालों में यहां कर गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट देकर यहां के लोगों को समृद्ध करेंगे। और मैं बता दूं आपको, ये तो छोटी छोटी बातों के ऊपर लोग लगे हैं, हमने तो लड़ाई लड़नी है उन आतंकवादियों के खिलाफ, उन राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ जिन्होंने इस प्रदेश को लूटा खसूटा। और एक और बात बता दूं आपको, जल्द आने वाले समय में जितनी भी स्टेट या यूटी होंगी उसके अंदर जम्मू कश्मीर अव्वल नंबर पे आने वाला है। ये नरेंद्र भाई मोदी जी का और अमित शाह जी का सपना है। सर, हाल ही में जो आज हमला हुआ यहाँ पे नगरोटा जम्मू में, तो क्या लगता है डीडीसी इलेक्शंस जो आने वाली हैं, तो जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने के लिए इस तरह के हमले जो है वो किए जा रहे हैं? ये तो हमले आगे भी किए जा रहे हैं। जब डीडीसी के चुनाव हुए, जब पिछले भी पंचायतों के चुनाव किए गए थे सरपंच पंचों के, एनसी और पीडीपी ने तो बैकआउट कर दिया था, लोकतंत्र का गला घोंटा। फिर प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़े किए यहां पर,
तब भी ये क्या संकेत देना चाहते थे आतंकवादियों को, अलगाववादियों को, हुरियत को? यही कि यहां पे लोकतंत्र बहाल नहीं किया जाए। उसी कड़ी में ये सब चीजें चल रही हैं। पर डीडीसी के चुनाव भी होंगे, यहां की फोर्सेस यहां पे चुनाव कराएंगी, यहां के राष्ट्रभक्त लोग, आप देखें किस प्रकार के एक एक सीट के ऊपर 100-100, 50-50, 60-60, 30-30 फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसका मतलब लोग चाहते हैं लोकतंत्र मजबूत हो, और इन लोगों ने सिर्फ असेंबली तक लोकतंत्र को महफूज रखा हुआ था सिर्फ लूट खसूट के लिए। आज वो लोकतंत्र जमीनी स्तर पर, पहले सरपंच पंच के लाल अपने चुनाव, फिर बीडीसी के, और अब डीडीसी के चुनाव, उन लोकतंत्र ढांचे को हम जमीनी स्तर पर ले आए हैं कि हर गरीब का काम हो, हर किसान का काम हो, हर गांव में काम हो, और उसके साथ साथ एक आम व्यक्ति जीतकर एक आम व्यक्ति का काम कर सके। सब भारतीय जनता पार्टी ने आने वाली इलेक्शंस के लिए जो है ये जो डीडीसी की इलेक्शंस जो होने वाली हैं इसमें काफ़ी बड़े नाम जो हैं, बड़े चेहरे वो मैदान में उतारे हैं, तो क्या प्लान जो है वो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कर रही है आने वाली इलेक्शंस के लिए? ग्राउंड लेवल पे, बूथ लेवल पे हम स्ट्रांग हैं, शक्ति केंद्र हमारा संगठन स्ट्रांग है, और लोग दिल से चाहते हैं कि जिन व्यक्तियों ने 370 खत्म कर कर 35-1 खत्म कर कर जिस पार्टी ने, जिस नरेंद्र भाई मोदी जी ने, जिस अमित शाह जी ने उनको गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराया, और लोगों ने एक मन बना लिया है, अंडर करंट है कि हम लोग बीजेपी को ही वोट डालकर उसको जिताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इस वक्त हमारे साथ थे युद्धवीर सेठी, भारतीय जनता पार्टी के जो है नेता। मुद्दों पे इनकी काफ़ी चर्चा रही, इस पे इन्होंने अपनी सफाई दी, और इन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी पार्टी और राष्ट्रवादी जो ये नेता हैं इनका नाम जो है उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन आने वाली इलेक्शंस में जनता जो है वोट देकर बताएगी कि राष्ट्रवाद क्या है और इनकी पार्टी जो है वो किस तरह से ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। इसी तरह के अपडेट्स लेकर हम फिर लौटेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए NH1 न्यूज़।